होप वॉर ऑन द एज बिग एज बांग्लादेश। बांग्लादेश इतना नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सब एक ही मुस्लिम संगठन सबसे बड़े हैं, तो एक साथ आए हैं। यहाँ पे बेवकूफ़ भरे पड़े, कोई हिंदू के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई माइनॉरिटी के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई ओबीसी के नाम पे संगठित हो रहा है, कोई एक भारतीय बोल के संगठित नहीं हो रहे हैं। फूड शॉर्टेज काय बाबा धन्य तुम्ही लोक, असा असा इथून हात जोडतो तुम्हाला मी, इथून चुत्या भेटले तुम्हीच भेटले मला। राजू श्रीवास्तव तो वेंटिलेटर पे, एक्चुअली वो जिंदा है मर गया पता नहीं है, वो वेंटिलेटर पे रखा है उसको। चलो दोस्तों, सरोगेसी बिल नया, अरे सरोगेसी बिल आया है तो आज का नई बात है, पुराना ही हो, उसीलिए तो वो चोरी चोरी चुपके चुपके पिक्चर आया था, इसीलिए तो गुड न्यूज़ आया था। तुमको बच्चे पैदा नहीं होने वाले हैं, तुमको इनफर्टिलिटी आने वाली है, तुम्हारे बच्चे अबॉर्ट होने वाले हैं। तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग पढ़े हैं क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच। क्या रखा है इंडिया पाकिस्तान मैच में, वो पाकिस्तान भी अपने पास आने वाला है, टेंशन मत लो। कुछ सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में आने वाला है। टेंशन मत लो, तो किसके साथ मैच देखोगे? पुलिस वाले कहते हमारा कुछ नहीं होगा, डन 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 वाला, तू अमृत लेके आया है ना, मोदी तेरे को स्पेशल अमृत पिलाया है। भाई साहब प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग आपको दिख, हम बताया कि प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है, हम जानते कि होने वाला है, हम आपको इसलिए दिखा रहे कि ये देखो ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग आपको दिखाई जा रही है, आप तो यकीन करो। हम 19 साल से जानते, जब पिक्चर भी नहीं बनी तब से जानते प्रोग्रामिंग क्या है, क्योंकि प्रोग्रामिंग 1960 से डिले होते 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 आज इस दौर पे आई है ये, वरना ये प्रोग्रामिंग तो एक्चुअली 1919 में होने वाली थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। हम सेफ है तो आप सेफ है कहते हैं, सेफ कोई नहीं है, मैं भी सेफ नहीं हूँ, कहाँ पे कब भूकंप आएगा कोई नहीं जानता है। तुम्हारे कर्मफल जो मैंने कहा है, ऊपर वाला इस बार वो जो है वो कौन से कारण से मौत देगा वो पता नहीं, तो वो कर्मफल आपका डिसाइड करने वाला है। अब आपके कर्मफल आपको पता होने चाहिए, मुझे मेरे कर्मफल, इवन कर्ण को भी लग रहा था कि आखिर तक वो बहुत ही पुण्यवान आत्मा है। हा? ये नहीं समझ में आ रहा है, चलो लेट इट बी, जागिए, जो जागा था वही बचने वाला है, और अभी भी आपके पास आपके कर्मों का जो है उसको क्लीन करने का, वो उसको वॉश आउट करने का मौका है, उसे कर्म फलों को क्लियर करो। अब मौका नहीं है मैं और ज्यादा आपको ये क्या हो रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं देने, नहीं अभी जो है कुछ वो आंदोलन दिल्ली में आना होगा। मेरे अभी भी सभी आदिवासी, सभी माइनॉरिटी, सभी अग्निवीर, सभी बेरोजगार, सभी किसान, सभी मजदूर, मजदूरों तुम्हारा मंत्रियों का मीटिंग हो रही है और तुम्हारी जॉब कोई सच्ची नहीं है कभी भी। मजदूर मतलब कौन से है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवे, बस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, MSEB, BSNL, भेल, LIC, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये भी कामगार आयुक्त बिल में आते हैं। और ये मजाक नहीं है, ये बिल बहुत डेंजर है। आपको लग रहा होगा यह भारत के लिए हो रहा है, जाके आप US के भी बिल चेक कर लीजिए। US में तो कल एक बिल रखा गया है जिसके तहत पुलिसों को राइट दिया गया है, उनके शर्ट पे कॉलर्स पे कैमरे लगे हुए हैं और वो उस आदमी का बिहेवियर, उसकी लैंग्वेज, उसके टोन के ऊपर वो उसको जो है सोशल क्रेडिट उसकी वैल्यू चेक करेगा,
नहीं तो उसको री एजुकेशन सेंटर में डालेगा। ये कल बिल पास किया गया है क्लाइमेट मैनेजमेंट के बिल के नाम के ऊपर, यकीन नहीं आता जाके चेक कर लीजिए। क्लाइमेट चेंज बिल लाया गया है और उसके तहत उसमें जो डाले गए क्लॉज है, उसमें एक क्लॉज है कि एक सब क्लॉज डाला हुआ है कि पुलिस वाले के होम डिपार्टमेंट, यानी होम यानी क्या, गृह डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट हैव द अथॉरिटी टू बाय द चेक देयर कॉलर वीडियो कैमराज द पर्सन सोशल बिहेवियर सोशल एक्टिविटी एंड हिज कार्बन फुटप्रिंट्स। ये उसका वो सब क्लॉज है वहां पे, ये मजाक नहीं है। सोशल क्रेडिट स्कोर आने वाली ये चीजें कोई मजाक नहीं है। फ्रांस में भी 3,000 ग्रीन पुलिस डिप्लॉय किए हैं। मैंने कहा भारत भी, अब देखो आपको क्लाइमेट चेंज वॉरियर के नाम से कोई टेम्पररी जॉब भर लेंगी, जैसे कोविड वॉरियर के नाम से नर्सिंग और डॉक्टर लोग भरे थे 6 महीनों के लिए, पेमेंट नहीं हुई उनके अब तक। इन्होंने लोगों को भर भर के स्टीरॉइड्स और ये लगवाए। हाँ खाटू श्याम जी मंदिर में जो भगदड़ मची थी वो क्या कलयुग के अंत का संदेश थे, वो आखिरी वार्निंग थी। ये आखिरी वार्निंग थी कि महाभारत चालू हो चुका है, कल की महाभारत चालू हो चुका है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है मगर हमें पता है। हम तो है उसमें, हम तो है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि ये वॉर जैसे बोला हमने आपको, ये फिफ्थ डायमेंशन में लड़ा जा रहा है, ये फिफ्थ डायमेंशन में होता है, बाद में आपको थर्ड डायमेंशन में उसको आप दिखता है कुछ दिनों बाद। हमने कहा आएंगे तो हम ही, तो मैंने कहा देखा, मैंने देखा है कि आने वाले हम ही हैं। आप थर्ड डायमेंशन में देखोगे और उसके लिए अमित रंजन जी तो क्या यहाँ पे माँ चुदाने के लिए आए, तो कुछ नहीं होगा। क्यों तेरे को बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया मैंने, तेरी गांड फटी है, तेरी गांड फटी है भाई साहब। ये बोल रहा है और हो रहा है, हो रहा है। एमपी की हालत जाके देख क्या है, एमपी की हालत देख क्या है, 250 के डैम के ऊपर टाइमलाइन खत्म कर दी तूने, तेरी माँ की चूत। भाग्या से चल, रिस्पेक्ट नहीं देते साले, तेरे बाप का हूँ, तेरा चाचा हूँ मैं, जीजा हूँ तेरा। साहिल शर्मा यार जा फिर डेविड एक को ही सुन ना, डेविड एक थोड़ी वॉरियर है, डेविड एक कल की महाभारत की किसी भी कैरेक्टर में नहीं है। हाँ तो चलो अब टाइम पास वाले आ गए हैं, टाइम पास वाले आ गए तो अभी हमारा काम खत्म हो गया है, अभी इनका टाइम पास चलते रहे, इनकी जिंदगी टाइम पास हो चुकी है। फटे हुए कंडोम की पैदाइश है, अनवांटेड चाइल्ड। मैं जब बोलता हूँ ना फिर मेरे तुम्हारा ऐसी लग जाएगी, सुनना सुना नहीं हुई जिंदगी में ऐसे डायलॉग सुन लोगे। ये लेडीज है तो भी फिर प्यार से बात करता हूँ मैं, कभी पर्सनल, या कभी पर्सनल फोन कर मेरे को, फिर दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। चलो धन्यवाद सभी का, जय हिंद। मेरे को सजेशन मत दो यार, मैं पहले बोलता हूँ, डोंट कमेंट लाइक दैट, डोंट। ये तुम लोगों को तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है, जाओ के खेलोगे अभी मोबाइल पे। हम लगे पड़े दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक हम हमारा लगे पड़े और तुम हमको सजेशन दोगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।